ज्ञानव्यापी परिसर में खत्म हुआ तीसरे दिन का सर्वे। आज दीवार के नीचे वाले कमरों का हुआ सर्वे। मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। करीब डेढ़ घंटे तक चला सर्वे। ज्ञानव्यापी परिसर में आज जूम लेंस और विशेष लेंस से हुई वीडियोग्राफी। कई जगहों के लिए गए फुटेज। हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानव्यापी परिसर में कुएं में मिला है शिवलिंग। शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट पहुंचे विष्णु शंकर जैन। हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग मिलने पर लगे हर हर महादेव के नारे। शिवलिंग मिलने पर झूम उठे लोग। कल कोर्ट में पेश की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। सर्वे टीम ने खत्म किया तीसरे दिन का सर्वे। ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान सर्वे टीम के एक सदस्य को हटाया गया। सर्वे की जानकारियां बाहर पहुंचाने का आरोप। मेरठ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर नेहरू पर साधा निशाना। कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए काशी मथुरा और अयोध्या को रखा गया था विवाद। लुम्बिनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम देउवा ने किया स्वागत। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने पवित्र बोध वृक्ष की पूजा की। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी लुम्बिनी में महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की। ट्वीट कर लिखा नेपाल आकर बेहद खुश हूं। आज लखनऊ भी जाएंगे पीएम मोदी। लखनऊ में मंत्रिमंडल को गुड गवर्नेंस का देंगे मंत्र। आनंद गिरी की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट में नरेंद्र गिरी की मौत के मामले का आरोपी है आनंद गिरी। नोएडा में मशहूर बुजुर्ग चित्रकार को नाबालिग से रेप करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। नाबालिग की परवरिश के लिए उसको अपने घर में लाया था चित्रकार। बीते 7 सालों से रेप करने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से चल रही ठंडी हवाएं, गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों को मिली थोड़ी राहत। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों पर आईटीबीपी ने दिखाया दम। 15,000 की फिट पर किया योग। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने लिया हिस्सा। बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बदायूं के गंगा घाटों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। कुशीनगर में भगवान बुद्ध पर निर्वाण स्थली को सजाया गया। भगवान बुद्ध के प्रतिमा को फूलों से सजाया गया। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु हुए शामिल। गाजेबाजी के साथ झूमे लोग। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा स्नान कर मांगी सुख समृद्धि की कामना। गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात। बोधगया में बुद्ध महोत्सव का हुआ आगाज। बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर बोधगया में शांति मार्च निकाला गया। बौद्ध भिक्षुओं ने शांति मार्च निकाला। बौद्ध परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। देश विदेश से पहुंच रहे हैं बौद्ध श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ को विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल की सौगात। सीएम योगी ने किया कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल में 200 से ज्यादा बेड की है क्षमता। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क के कार्यक्रम में शामिल हुए योगी। 144 करोड़ की 100 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का बयान। कहा कुछ लोगों के विचार नहीं मिले वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कार्रवाई के डर से बनाया अलग संगठन। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में किसानों ने मनाई स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि। श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद।
भारतीय किसान यूनियन में बड़ी फूट, नरेश और राकेश टिकैत को बड़ा झटका। बीकेयू और राजनैतिक के नाम से बना नया संगठन, राजेश सिंह चौहान बने अध्यक्ष। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी बहुमंजिला इमारतों अस्पतालों से आग से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश, सभी फायर स्टेशन मुस्तैदी से करें काम। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान, कहा राज ठाकरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। यूपी में पर्यटकों के लिए आईएनएस गोमती बनेगा आकर्षण का नया केंद्र, यूपी को मिलेगा आईएनएस गोमती युद्ध पोत, गोमती रिवर फ्रंट के किनारे रखा जाएगा। जालौन में मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी विधायक का अनोखा अंदाज, माला पहनाकर बांटा मुफ्त राशन, 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा लाने की लोगों से की अपील। मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक, गौवंश के संरक्षण को लेकर दिए जरूरी निर्देश। बांदा दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, हर घर जल मिशन का किया स्थलीय निरीक्षण, स्वतंत्र देव सिंह ने इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों को परखा। मथुरा में मंदिर की जमीन पर मजार बनाए जाने का मामला गरमाया, धर्म रक्षा संघ के प्रतिनिधि विवादित स्थल देखने पहुंचे, 15 दिन में जमीन को खाली करने की दी चेतावनी। रुद्रप्रयाग में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आ रहे यात्रियों को भेजा जा रहा है वापस, यात्रियों को झेलनी पड़ रही है दिक्कतें, भूख और प्यास से परेशान तीर्थयात्री प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं आरोप। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। चारधाम यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से पौड़ी के महंतों ने किया आग्रह, चारधाम के साथ पौड़ी का भी रुख करने का आग्रह। पंच केदारों में द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 19 मई को खुलेंगे, 17 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना होगी डोली। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जींस को लेकर दिया बयान, कहा यहां के लोग भूल रहे हैं अपनी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता को दे रहे हैं बढ़ावा, फटी जींस से हमारा आचरण दिखता है। गंगा जल की जांच में हरकी पौड़ी पर सबसे कम टोटल कोलिफॉर्म का स्तर पाया गया, यहां टीसी का स्तर 63 है, पीसीबी के अनुसार 50 एमपीएन से अधिक स्तर का पानी नहाने योग्य होता है। कार्बेट की तर्ज पर सीतावनी जोन में भी पर्यटकों के साथ गाइड ले जाना कंपलसरी, विधायक दीवान सिंह बिश्ट ने की शुरुआत, 60 प्रशिक्षित गाइड रखे गए, ₹800 प्रति चक्कर होगी गाइड की फीस। रामनगर वन प्रभाग की काला ढूंगी रेंज के अंदर नया गांव के कार्बेट फॉल में 2 छात्रों के डूबने से हड़कंप। हरिद्वार में सामने आ रही है सीएनजी की किल्लत, शहर में सिर्फ 2 सीएनजी पंप होने से हो रही है परेशानी, वाहनों की लगी लंबी कतार। गौरीकुंड चौकी इंचार्ज के कमरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में दिख रहे लाखों रुपए अवैध वसूली के रुपए होने का किया जा रहा दावा। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्ड में मामूली कहा सुनी के बीच मारपीट, सोसाइटी के लोगों ने कहा मामूली विवाद पर गुंडे लेकर सोसाइटी पहुंचा डिलीवरी बॉय, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा में शातिर चोरों ने घर को बनाया निशाना, कमरों में सो रहे परिवार के लोगों के कमरों में कुंडी लगाकर की चोरी, 3 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर हुए गायब। उन्नाव में लेखपाल से अभद्रता करना, प्रधानपति को पड़ा भारी, लेखपाल ने प्रधानपति समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर, अवैध कब्जे की शिकायत पर जमीन को चिन्हित करने गांव गया था लेखपाल, अजगैन कोतवाली के अटहरी गांव का मामला। तो
उन्नाव में युवती का पीछा करना, मनचले को पड़ा भारी। युवती ने की मनचले की चप्पलों से पिटाई। पुलिस ने युवक को भीड़ से निकलकर हिरासत में लिया। गंगा घाट कोतवाली के पोनी रोड का मामला। उन्नाव में नशेबाजी में बाराती और जनातियों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में हाथापाई के साथ ही जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस ने दो घायलों को भेजा अस्पताल, एक को हिरासत में लिया। गंगा घाट कोतवाली के कटहा दल नारायणपुर की घटना। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से चार शातिर बदमाश घायल। अवैध असलहा और लूट का माल बरामद। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से दो लुटेरे घायल। 3,45,000 रुपए कैश बरामद। कलेक्शन एजेंट से लुटेरों ने की थी 6,00,000 की लूट। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज। कुछ दिनों पहले वायरल हुए वीडियो के मामले में किया गया केस। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने आभूषण व्यवसायी से की लूट। व्यवसायी को तमंचे के बट से मारकर किया घायल। दो बाइक पर आए थे 3 लुटेरे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बस में 3 शराबियों की यात्रियों ने की धुनाई। यात्रियों से गाली गलौज करने पर की पिटाई। शराबियों की पिटाई का वीडियो वायरल। उन्नाव में मोबाइल शॉप में 2 चोरों ने की चोरी। चोरों ने दुकान से नकदी, 8 एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप और कैमरा किया चोरी। करीब 2,00,000 का सामान चोरी। चोरी की घटना CCTV में कैद। उन्नाव में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। पीड़ित से गाली गलौच और मारपीट का आरोप। पुलिस ने 420 और मारपीट की धाराओं में दर्ज किया FIR। बिजनौर में कपड़े के शोरूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। ग्राहक और कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। लाखों का कपड़ा जलकर हुआ खाक। उन्नाव में बड़ा हादसा होने से टला। HP गैस प्लांट के पास ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री के गैस टैंकर में लगी आग। समय रहते मजदूरों ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद बिजली के तारों में लगी भयंकर आग। बाजार में आग देखकर फैली अफरा तफरी। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। कांग्रेस के चिंतन शिविर में दिए राहुल गांधी के बयान पर घमासान। बोले बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं। SP TMC समेत कई दलों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक आज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायकों से पार्टी की रणनीति पर करेंगे विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आज जेल भरो आंदोलन। आंदोलन पर रोक लगाने के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन। सरकार को घेरने की होगी रणनीति। असम में आसमानी आफत से बिगड़े हालात। बाढ़ के बीच भूस्खलन से कई घर तबाह। 7 जिलों के 57,000 लोग हुए प्रभावित। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वायुसेना। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस का सबसे बड़ा हमला। रूस ने चमकीले जलते हुए हथियारों की बौछार की। मारियोपोल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर फास्फोरस बम की बारिश। प्लांट के अंदर अभी भी छिपे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, क्या स्टील प्लांट में छिपे लोगों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। डोनबास के रूस का लोजोवा में भीषण जंग। यूक्रेनी फौज ने रूसी आर्मी पर किया जबरदस्त प्रहार। रूसी फौज शहर छोड़कर भागे। यूक्रेन का दावा, रूसी फौज को रूस का लोजोवा से खदेड़ा। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद छोड़कर रूसी फौज भागी। रूस को बड़ा झटका। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए करेंगे आवेदन। कहा दोनों देशों की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर।
यूक्रेन में विस्थापितों की मदद के लिए आगे आए लोग, कई बिजनेसमैन और चैरिटी उपलब्ध करा रहे हैं खाना। बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में खाने की पैकिंग की जा रही है।